वहीं प्रदेश में सियासी संग्राम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बात की जाए भाजपा की तो भाजपा भी विधायकों की बाड़ेबंदी में जुटी हुई है। लगभग एक दर्जन विधायक जयपुर पहुंचे हैं, 12 विधायक पहले ही पहुंच चुके हैं गुजरात। अहमदाबाद के पास बने रिसोर्ट में पहुंचे विधायक, भावदा में स्थित है जगसे शाह का ये रिसोर्ट। कैंसवली रिसोर्ट में मौजूद है विधायक जगसी राम कोहली, समाराम गरोसिया, धर्म नारायण जोशी, बाबूलाल खराड़ी, फूल सिंह मीणा, गौतमलाल मीणा, अमृतलाल मीणा, गोपीचंद मीणा, हरेंद्र निनामा, नारायण सिंह देवल और शोभा चौहान के पहुंचने की भी सूचना। आज सोमनाथ जाने की सूचना आ रही है, 3 निर्दलीय विधायकों के पहुंचने की भी ये सूचना है। प्रदेश में सियासी संग्राम, भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी में जुटे लगभग एक दर्जन विधायक पहुंचे जयपुर, 12 विधायक पहले ही पहुंच चुके हैं गुजरात। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिल, अब भाजपा भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में लग गई है। एक दर्जन विधायक जहां जयपुर पहुंच चुके हैं, वहीं 12 विधायक पहले से गुजरात पहुंचा जा चुके हैं। देखिए बिल्कुल, और ये एक तस्वीर कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी की कही जा सकती है। हालांकि कोर्ट का डिसीजन 11 अगस्त को आएगा, लेकिन उससे पहले की तैयारियां ये बता रही है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब चांस यहाँ पर ले सकती है, क्योंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र आयोजित होना और उसके अंदर क्या फ्लोर टेस्ट होगा या फिर बीजेपी के विधायकों की स्थिति क्या रहेगी, उस पर पूरा निर्भर यहाँ पर करता है। पार्टी जिस तरह से विधायकों का लामबंद यहाँ पर कर रही है, जयपुर बुला रही है कुछ विधायकों को, लगभग एक दर्जन जो विधायक है वो गुजरात पहुंचे हैं। अहमदाबाद के एक रिसोर्ट है भावदा में जगसे शाह का, उस रिसोर्ट में वहां पर ठहरे हुए, जिनमें लगभग एक दर्जन विधायक है, जगसे राम कोहली हो, चाहे समाराम गरासिया हो, दमरान ज्योति हो, इन तमाम विधायकों को पहले ही भेजा जा चुका है। आज एक दर्जन के करीब जो विधायक जयपुर पहुंचे, माना जा रहा है कि उन विधायकों को भी बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। पार्टी का ये दावा है कि सरकार की ओर से उन विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा था, ऐसे में पार्टी ने पहले कदम उठाया और कदम उठाते हुए उनको सुरक्षित वहां पर किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी ये जरूर देख रही है कि अगर चांस होता है फ्लोर टेस्ट का हो या फिर बीजेपी के पास कोई चांस बनता है, तो निर्दलीय विधायकों को साथ में लेकर सरकार की भूमिका में आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी में जुटी हुई है, मगर वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये कहा कि विधायक बाहर आ जा सकते हैं, इसे बाड़ेबंदी नहीं कहा जा सकता। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।